सो चाय बिस्किट, मम्मी के कुछ सॉन्ग्स कॉपीराइट ना आ जाए। एक मिनट मम्मी, एंड सुबह सुबह रोज मेरे लिए आ जाती है। एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। अभी पहले मैं चाय पी लेता हूँ, सो के जग चुका हूँ और उसके बाद अभी न्यू वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मौसम आज का बहुत ख़राब है, इफ़ यू कैन सी। अब तक धूप आ जाया करती थी पर देखो कहीं भी धूप नहीं है। रात में बारिश हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली अब ठंड जो है बढ़ेगी, बट देन इट्स ओके। बस ओमिक्रॉन नंबर है यार। चाय करते हैं एंजॉय। मम्मी सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। ओके, तो मेरी वो वाले ब्लॉग सबसे बेस्ट होते हैं जिसे मेरी मम्मी खुश होती है एंड काफी खुशी से बातें करती है। अभी मूड में नहीं है, जब मूड में रही मैं जरूर कैप्चर करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने बताया कि मम्मी की हंसी, मम्मी का एक्सप्रेशन बहुत प्यारा होता है। जब भी वैसे मूड में रहेगी मैं जरूर शूट करूंगा। एडिटिंग चल रही है मस्त। आ गए हमारे फ्रूट सुबह सुबह मस्त का। तो पेंटर आ चुका है, वो पेंट मिक्स कर रहा है एंड क्योंकि इस वॉल से स्टार्ट करवाता हूँ मैं तो पेंटिंग तो हटा देता हूँ। अभी इसको हटा ही देता हूँ खोल के, ये काफ़ी नाजुक सी है, ये मैंने डाल दिया ताकि यू नो पेंट करे तो इस पे गिरे फ्लोर पे लगे ना, क्योंकि उससे पोछा। नाश्ता हमारा मस्त तैयार है, आलू गोभी की रसदार वाली सब्जी एंड पराठे एंड पापा दबा रहे हैं चुपचाप ऑलरेडी एंड नाउ इट्स माय टर्न। खाते हैं तवा के और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:20, थोड़ी देर में तो दोपहर हो जाएगी। ओके, आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे इन्हें धोने का मौका मिला है, जो सुकून आई एम फीलिंग ना आई कांट टेल यू गाइस। एंड अभी तक मैं व्हाट आई डिड कि मैंने देखो ये गेट साफ कर दिया, वो देखो वो गेट साइन कर रही है, छत को धो, सीढ़ी को धो दिया, वो जो आपको स्टोर रूम दिख रहा है वो अभी धोया, ए उसमें सर्फ कुछ है ना, रगड़ कुछ रही बहुत, तुम सब मार देंगे बिनवा, गजब हालत है भाई तुम्हारा, बिनवा बिल्कुल काम चोरी करती है गाइस, काम नहीं करना चाहती है तो मार मार के सारा काम मैं सिखा दूंगा। जस्ट जोकिंग, वायलेंस नो वायलेंस, नो वायलेंस। तो यही कुछ अभी चल रहा है काम हमारा, भी दोपहर के बज रहे हैं 12 अप्रॉक्स, 11:40 हो रही है तो 12 ही हो गए एंड यही कुछ चल रहा है फिलहाल तो हमारा, धोना धकाड़ना एंड ऑल। एंड काफ़ी दिनों बाद मैं अपने फूल पौधों को धो पा रहा हूँ, दे वेर सो डर्टी आई कॉन्ट टेल यू, एंड मुझे पूरा का पूरा बरामदा धोना है कॉज दे आर सो डर्टी, कन कन में गंदगी बैठी हुई यू नो। सो अभी तो पूरा बरामदा धोना है, सो अब वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। माँ बस पूजा कर चुकी है, वो फ्री होती हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। इसको भी धुल देते हैं, मैंने उसको तिरछा करके खड़ा करो तो धुला जाएगा अच्छे से, तिरछा करो इधर से उठा। हाँ खाओ, खाने बोल रहे हैं, फट्टा लाना तो फट्टा ला, तो खाओ खाना खाओ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चलो शुरू करो। देखा गाइस हाउ टू मैनेज योर दरमन से फट्टा इफ ही इज नॉट ईटिंग, जस्ट शो हिम वन फट्टा एंड ही विल स्टार्ट, ए खाओ, जस्ट शो हिम फट्टा फिर खाओ खाओ, छपड़ी। सो इस लड़के ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं एंड बचा कुछ अभी खा ही लेगा, हमारा खाना भी आ चुका है, मछलियाँ थी तो चावल एंड मछली, पापा रोटी एंड ये सब चीजें मिलने के बाद मेरे पापा की आंखों में अलग ही चमक होती है। पापा इधर आंख का चमक दिखाइए तो एंड मम्मी हमारे खाने के खा लेंगे। हियर इट बिगिंस माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये कलर मुझे सबसे पसंद है, नेवर ट्राइड सच कलर इन माय हाउस एंड ओएमजी इट्स गोना लुक यू नो ऑसम। देता हूँ
I love this color. So vibrant. Not that vibrant. I don't think camera can tell you the actual color, but probably see it. गाइस लिटरली ठंड इतनी है कि मैंने चादर ओढ़ रखा है। लाइफ में मैंने कभी चादर नहीं ओढ़ रखा, बट मैंने चादर ओढ़ रखा है भाई साहब, काफ़ी ठंड है। एंड वेदर की मैं कुछ अपडेट दे दूँ तो कुछ ये अपडेट है, पूरा ड्राई ड्राई सा है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, बिल्कुल भी सन नहीं है। एंड पापा वहाँ पे हैं, बिल्कुल भी सन नहीं है। एंड इवन बारिश की बूंदें गिर रही है, यू वोंट बिलीव, इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी सरफेस पे क्यों मैं दिखा पाऊँ, बारिश की लिटरली बूंदे गिर रही है। एंड चारों तरफ सैड सैड सा एकदम वेदर है, एकदम पूरा सैड सा वेदर है, चारों तरफ वेदर सैड एकदम। एंड घर तो भाई इतना मैसी है, इतना मैसी, आई कांट टेल यू। दिस इज द स्टोर रूम हमारा बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है, गेट वगैरह जो भी है फिट फाट एकदम, ये है, ये तो यहाँ पे फिक्स रहेंगे। तो अब बंदा आए कोई, उसके साथ मिलके थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह स्टोर रूम में करनी है। टैंक भी अंदर चला गया, चीज़ें बाहर पड़ी हुई है। एंड आपको तो सबको तो पता ही है कि शादी है तो कितने सारे काम होंगे, हाँ कितने सारे काम हैं। एंड ये देखो, मैंने कहा था ना बारिश की बूंदे, देखो बारिश की बूंदे लिटरली गिर रही है और कपड़े पड़े हुए मम्मी के, तो सबको हटा देता हूँ। ऐसे मौसम में चाय, और ये नज़ारे, घंटा नज़ारे, मतलब कि बारिश ठंड एंजॉय।